आज हम यहाँ पर एज अ पेरेंट्स आए हैं क्योंकि टोहाना में पहली बार IIT क्लासेस के बारे में हमें पता चला। पहले मन में डाउट था कि टोहाना जैसे शहर में क्या इस लेवल की क्लासेस आ सकती हैं, पर जैसा हम यहाँ पर आए, जो एक्सपर्ट आए हुए हैं IIT क्लासेस से और हमारे जो राहुल सर हैं डायरेक्टर हैं, जब उनसे बात की हमने तो वाकई में ये लगा कि ये पहली दफ़ा है जब टोहाना जैसे शहर में भी कोटा जैसी फैसिलिटी हमारे बच्चों को मिलने जा रही है। तो मैं तो इसके लिए बधाई भी दूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये काम हमारा जो हम अपने बच्चों को IIT लेवल की कोचिंग दिलवाना चाहते हैं, अगर वो हमें टोहाना में मिल जाए तो हमें क्या ज़रूरत है कि अपने बच्चों को हम कोटा भेजें, सीकर भेजें, दिल्ली भेजें। और दूसरी बात है, जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है वो ये कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई क्लास में पढ़ाया और बच्चों को छोड़ दिया, जैसा कि यहाँ पर राहुल जी और जो टीम आई हुई IIT क्लासेस वो बता रहे हैं कि वो क्लास के बाद भी बच्चों का प्रॉपर जो डाउट क्लासेस है वो लेंगे और फीडबैक जो है वो पेरेंट्स को देंगे। वैसे भी हम जानते हैं जो महाराज अग्रसेन न्यूट्रॉनिक अकेडमी है, पिछले वर्ष भी उन्होंने अपनी कोचिंग्स बच्चों को दी हैं, उस टाइम भी हमारे रिलेटिव्स के बच्चे यहाँ पर थे तो हमने उनसे भी फीडबैक लिया है, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से क्लासेस चली हैं। लेकिन ये और भी अच्छा हो गया, अगर मैं कहूँ सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है कि बोर्ड क्लासेस की कोचिंग के साथ साथ IIT जो क्लासेस हैं वो भी शुरू होने जा रही हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ क्लासेस शुरू हों और अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलवाएं ताकि हमारे बच्चों का भी जो IIT में जाने का सपना है अपने ही शहर में रहकर उसको वो पूरा कर सके। हाँ जी, हम पिछले काफ़ी वर्षों से ये देख रहे हैं बच्चों को बाहर कोटा, सीकर, चंडीगढ़, दिल्ली हम बच्चों को भेज रहे हैं। वहाँ ये तो है उनका नाम है भाई, बहुत अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, अदरवाइज हम जो इतनी ज़्यादा भीड़ में 300-300 बच्चों की क्लासें, वहाँ जो पीछे वाले बच्चे हैं पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर जो ये अकेडमी के माध्यम से यहाँ नज़दीक भी है, अदरवाइज उनकी अपेक्षा इतनी ज़्यादा मोटी सी फीस की अपेक्षा यहाँ फीस भी कम है और हम बच्चों की निगरानी भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर बच्चों को खाना सूट ना करे और बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, यहाँ कम से कम बच्चों को अपने यहाँ अपने घर में रहना, पेरेंट्स की देख रेख में रहना और जो स्टाफ है यहाँ महाराजा अग्रसेन अकेडमी को जो चला रहे हैं राहुल सर, वो लोकल हैं, उनका अनुभव है 12-13 साल का, बहुत अच्छे टीचर रहे हैं काफ़ी दिनों से, हम उनके बारे में देख भी रहे हैं, उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और ये सभी चीज़ें हैं जो एक बार पेरेंट्स को सोच लेनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, आप इन बातों को, चलो कोई नई अकेडमी आती है उनको एक बार आप विजिट करिए, और विजिट भी नहीं क्लासें लगवा के देखिए। वो ये कह रहे हैं, मेरी इनसे बात हुई थी, जो क्लासें लगेंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप अपने बच्चों की क्लासें लगाइए, अगर आपके बच्चे संतुष्ट हैं तो एक बार आप यहाँ आइए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा इनकी बातें, बाकी ये जैसे आज पहला दिन उन्होंने जो बातें कही है, अभी आखिरी तक हमारी यही बातें रहेंगी, इनमें अगर कोई भी दिक्कत है सभी पेरेंट्स के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, आप हमें मिल सकते हैं। तो यही है, अच्छा है अगर उस भीड़ से हम कुछ अलग दे पाए बच्चों को, और मेरे को ऐसा लगता है पॉजिटिविटी सी नज़र आई भाई, हाँ यहाँ बच्चे लगाना ठीक रहेगा अगर पेरेंट्स एक बार विजिट करें और बच्चों को क्लासें अटेंड करने के लिए प्रेरित करें। बस मैं तो यही कहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं भी मेरी बिटिया का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आया था और यहाँ उनसे बातें की और उन बातों से मेरे को तो सकारात्मकता दिखाई दी, हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए। हमने जो आज एग्ज़ाम लिया है IIT क्लासेस ने यहाँ पे महाराजा अग्रसेन न्यूट्रॉनिक अकेडमी के अंदर एक रिवर्स एग्ज़ाम्स का आयोजन किया था जिसमें 291 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सर, मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो 11 फेब 2023 को फेसबुक पेज पे महाराजा अग्रसेन न्यूट्रॉनिक अकेडमी पे बच्चों को दे दिया जाएगा, और 12 फरवरी 2023 को इस टेस्ट का रिज़ल्ट, जो इसके प्राइज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। सर, मैं यहाँ पे एक IIT क्लासेस की एक ब्रांच लेके आया हूँ जो कि IIT और नीट के बच्चों को टीच करेंगे कि अंदर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के जो सपने थे उनको हम पूरा करने का काम करेंगे।